हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेम मैथमेटिक्स सिलेबस 2023 के बारे में। तो उसमें क्या क्या बड़े चेंजेस हुए हैं, तो उसको जानने के लिए इस वीडियो में रेगुलर बने रहें और बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए कि आईआईटी जेम मैथमेटिक्स सिलेबस 2023 में भाई क्या क्या चेंजेज हुए हैं, क्या क्या बड़े चेंजेज आए हैं। अगर उनकी मैं बात करूं तो एक बार हम सिलेबस को देखते हैं। बच्चों, सिलेबस को देखते हैं तो हमारा जो सिलेबस है आईआईटी जेम मैथमेटिक्स का सिलेबस है कि उसमें आईआईटी जेम मैथमेटिक्स सिलेबस 2023 में भाई क्या चेंजेस हुए हैं। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं, रियल एनालिसिस। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी होता है हमारा आईटी जेम के लिए, रियल एनालिसिस के टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो रियल एनालिसिस में टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर। उसमें आपसे पूछता है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस के बारे में, कोची सीक्वेंस, बुलजानो विस्ट्रास थ्योरम, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीरीज, कंपैरिजन टेस्ट, रेशो टेस्ट, रूट टेस्ट, पावर सीरीज से, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, रेडियस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंट, टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ पावर सीरीज, एक सेगमेंट तो ये है। फिर वो रियल में ही चला जाता है अगले सेगमेंट में। अगर बच्चों मैं बात करूं तो वो सेगमेंट हमारा हो जाता है फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल, जिसमें हम पढ़ते हैं लिमिट कंटिन्यूटी, इंटर लिमिट कंटिन्यूटी के बारे में, जिसमें हम बच्चों डिस्कस करते हैं कि हमारी भाई लिमिट कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन। बच्चों ये नया ऐड हुआ है। अगर मैं चेंज की बात करूं, पहले हमारा जो वेक्टर कैलकुलस होता था उसकी जगह अब जेम में उसने ऐड कर दिया है रीमान इंटीग्रेशन को। रीमान इंटीग्रेशन को लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी आया था, उसने एक नया ऐड कर दिया है रीमान इंटीग्रेशन का, ठीक है। अगर हम यहीं पे बात करें मल्टी वेरिएबल कैलकुलेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का सिलेबस क्या है आईआईटी जेम मैथमेटिक्स 2023 के लिए, अगर मैं बात करूं तो चलिए देख लेते हैं भाई। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल की वो लिमिट के बारे में पूछता है, वो कंटिन्यूटी के बारे में पूछता है, वो पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में पूछता है, वो टोटल डेरिवेटिव, वो मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पूछता है, जहां से क्वेश्चन बनता है। फिर इंटीग्रल कैलकुलस भी इसी में आ जाती है। इंटीग्रल कैलकुलस और ओडी तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो हमें क्वालिफाई कराता है आईआईटी जेम, अगर मैं बात कहूं, जिसमें हमसे वो डबल ट्रिपल इंटीग्रल चेंज ऑफ ऑर्डर से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बच्चों, कैलकुलेटिंग सरफेस एरिया वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रल एंड कैलकुलेटिंग वॉल्यूम यूजिंग ट्रिपल इंटीग्रल की बात करता है, और ये 16 मार्क्स तक आ जाता है। बच्चों, अब तो 16 मार्क्स तक ये इंटीग्रल कैलकुलस आपसे पूछ लेता है। इसी सेगमेंट में अगर मैं बच्चों आगे पढ़ता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें हमसे पूछता है बर्नौली इक्वेशन के बारे में, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर और आयलर इक्वेशन। तो ये आपका सिलेबस हुआ बच्चों मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का और डिफरेंशियल इक्वेशन का, हमने सिलेबस यहां पे डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्रुप थ्योरी का सिलेबस, बच्चों ग्रुप थ्योरी के सिलेबस की बात करें, ग्रुप थ्योरी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आईआईटी जेम के लिए, चलिए देख लेते हैं। तो ग्रुप थ्योरी में आपसे पूछता है साइक्लिक ग्रुप, एबिलियन ग्रुप, नॉन एबिलियन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, कोसेंट ग्रुप, लैग्रांज थ्योरम फॉर फाइनाइट ग्रुप, ग्रुप ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसके बारे में बच्चों आपसे वो डिस्कस कर लेता है। तो ये इतना सा ही सिलेबस है जेम का ग्रुप थ्योरी का, अगर मैं बात करूं। यहां पे अगर हम बात करें लीनियर अलजेब्रा, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, क्यों कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि इसके क्वेश्चन बन जाते हैं, इसके क्वेश्चन बड़ी इजीली बन जाते हैं, और आइए 19 टू 20 मार्क्स का आने लगा जेम में। चलिए इसके सिलेबस को देख लेते हैं, काफी आसान भी है। सिलेबस की बात करें, इसमें मैट्रिसेस में आप पढ़ते हो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैंक नल्टी, रैंक नल्टी थ्योरम, इनवर्स डिटरमिनेंट, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स का। फिर आप फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में लीनियर एलआई वेक्टर, बेसिस डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन, रेंज स्पेस, नल स्पेस, नल्टी थ्योरम, इसके बारे में बच्चों बात करते थे। तो बच्चों ये था हमारा अपडेटेड सिलेबस, हमारा जो उससे पहले था वेक्टर कैलकुलस होता था वो रिमूव कर दिया गया है। तो बच्चों ये था अपडेटेड आईआईटी जेम मैथमेटिक्स सिलेबस 2023 के लिए। थैंक यू एवरीवन।